Shalala alaikum. Indian big Ali Maghrib fake designer. Aaj main aapko how to change your hair color in Photoshop. Aur main karta hu aapke liye jo pasand aayegi. Pasand aaye to video ko please like kare aur channel ko subscribe kare. To chalo aaiye start karte hain. तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, मैं दबा दूंगा F7 दबाने के बाद इसकी मैंने अनलॉक कर दिया, इसको थोड़े से स्टेप पे मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद एंटर दबाया, इसको सिलेक्ट करा यहाँ की तरफ। अब ये जो इमेज है इसको मैं ले आता हूँ यहाँ की तरफ। अब लाने के बाद अब हमें क्या करना है आपको बता दूँ, थोड़ा सा छोटा करा यहाँ की तरफ, मैंने इसको रख दिया एंटर। फिर हमें ले लेना है इरेजर टूल। इरेजर टूल लेने के बाद थोड़ा सा इरेजर टूल को छोटा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा, बस थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, बस। अब यहाँ की तरफ से हमें हटा देना है, इन सब को हटा देना है, ये बैकग्राउंड इन सब को मैंने हटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ की तरफ, थोड़ा सा यहाँ की तरफ, बस थोड़ा सा और इस तरफ कर दिया मैंने इस तरह थोड़ा सा, बस। अब यहाँ की तरफ से इसको मैंने हटा दिया, यहाँ की तरफ से इसके हेड को भी हटा देते हैं हम, थोड़ा सा छोटा, बस। यहाँ की तरफ से ये भी हटा दिया, बस थोड़ा सा बड़ा यहाँ की तरफ करा मैंने, थोड़ा सा और यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ मैंने इसको कर दिया, थोड़ा सा जूम, बस थोड़ा सा इस तरफ, बस। फिर अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और इस तरफ मैंने ले लिया, थोड़ा सा और इस तरफ, थोड़ा सा और, बस। अब हमें इसको ले जाना है ऊपर थोड़ा, थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा, बस। अब हमें क्या करना है आपको बताता हूँ, एंटर क्लोन स्टैम्प टूल ऑल दबा के अब हमें F7 दबा देना है, फिर यहाँ की तरफ ऑल दबा के इसकी मैंने ली, थोड़ा सा बड़ा ऑल दबा के, थोड़ा सा इस तरफ इसकी मैंने ले ली और दबा के स्टैम्प टूल, बस। अब यहाँ की तरफ से मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ की तरफ ले आता हूँ, थोड़ा सा और स्टैम्प मैंने ले आया, थोड़ा सा यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ कर देता हूँ, बस थोड़ा सा बड़ा यहाँ की तरफ से मैंने इसको कर दिया कंट्रोल जेट, थोड़ा सा यहाँ की तरफ से इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा बड़ा, बस छोटा, बस। फिर यहाँ की तरफ से भी ले आता हूँ और दबा के, थोड़ा सा छोटा, बस। अब यहाँ की तरफ से मैं इसको ले आता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेप कर दिया, थोड़ा सा अभी, थोड़ा सा और, ऑल दबा के इसको कर दिया। फिर इरेजर टूल यहाँ की तरफ से छोटा कर देना है, बस। अब पीछे क्लोन स्टैम्प टूल, फिर यहाँ की तरफ से इसको कर देना है हमें इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ ऑल दबा के, थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ की तरफ थोड़ा सा और नीचे कर दिया मैंने इसको भी, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ ऑल दबा के इसको भी मैंने कर दिया यहाँ की तरफ, फिर इसको थोड़े से तरफ, थोड़ा सा यहाँ की तरफ, थोड़ा सा ऊपर, बस थोड़ा सा जूम ऑल दबा के डुप्लीकेट ऑल, तो यहाँ की तरफ
यहाँ की तरफ थोड़ा सा और छोटा लीकेज, यहाँ पर से थोड़ा सा और तरफ से बस थोड़ा सा और नीचे इसको भी हम ले जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा सा बस यहाँ की तरफ से मैंने इसको गड़ा यहाँ की तरफ तरफ बस। अब करने के बाद अब आपके बनना आपके बना तो इरेजर टूल लेना है यहाँ की तरफ से, इसका मैं हटा देना है, इसको भी हमें हटा देना है, वी दबा देना है। वी दबाने के बाद अब आपके बनना है आपको बनाता हूँ फिर इरेजर टूल वैसे में ताया थोड़ा कंट्रोल जेट ऑल जेट बस थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा बस रिमलिन क्लोन स्टैम्प टूल थोड़ा सा इस तरफ से मैंने इसको कर देता हूँ ऑल शिफ्ट थोड़ा सा बदल से मैंने इसको करा फिर थोड़ा सा इस तरफ फिर यहाँ की तरफ मैंने कर दिया थोड़ा सा और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर यहाँ की तरफ से इसको मैंने यहाँ की तरफ खोल दिया बस। अब मैंने भी करा बस थोड़ा सा छोटा एंटर। अब एंटर करने के बाद अब आपके बनना है आपको बताता हूँ थोड़ा सा तो मैंने डिलीट फिर ये देखा अपने हमारा आगे थोड़ा सा छोटा करा मैंने इसको भी कंट्रोल जेट जेट यहाँ की तरफ कंट्रोल जेट कंट्रोल जेट कंट्रोल जेट थोड़ा सा स्ट्रफ थोड़ा सा स्ट्रफ ऑल जेट बस। फिर हम क्लोन स्टैम्प टूल थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा स्ट्रफ बस फिर थोड़ा सा जूम फिर एंटर मैंने करा मैंने ले लिया इरेजर टूल फिर मैंने इसको थोड़ा सा और यहाँ की तरफ कर दिया फिर इसको भी मैं इसको लिया बस। अब मैंने एंटर कर दिया थोड़ा सा एंटर फिर इसको मैंने एंटर फिर इसको सिलेक्ट राइट क्लिक एंटर राइट क्लिक कर देते हैं कंट्रोल टी करके फिर राइट क्लिक वॉल्व। अब हमने वाल्व को दबा दिया वाल्व को दबाने के बाद अब आपके बनना आपको बनाता हूँ थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे फिर थोड़ा सा स्ट्रफ एंटर बस। अब करने के बाद थोड़ा सा जूम मैंने करा रिजल टूल थोड़ा सा और स्ट्रफ बस फिर सिलेक्ट नीचे ऊपर फिर जो हमारा ये है हम ले लेते हैं स्पॉट हेडिंग टू आप लेयर को सिलेक्ट करके इसको हमें डिलीट कर देना है जो वाइट बाल्स आ रहे हेयर आ रहे इनको हम निकल दिए डिलीट कर देते हैं कंट्रोल और जेट यहाँ की तरफ ये जो आ रहे इनको हमने डिलीट कर देना है थोड़ा सा और इनको मैंने और डिलीट इधर से भी डिलीट कर देते हैं डेट थोड़ा सा यहाँ की तरफ से इसको भी कर दिया फिर स्पॉट हेडिंग टूल यहाँ की तरफ से सिलेक्ट ऑल्ट ऑल्ट फिर ऑल्ट यहाँ की तरफ थोड़ा सा इस तरफ बस थोड़ा सा और इस तरफ फिर यहाँ की तरफ से मैंने इसको बड़ा थोड़ा सा इस तरफ और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर देते हैं बस थोड़ा सा जूम जूम करा बस। अब यहाँ की तरफ से थोड़ा सा इसको मैंने स्ट्रोक करा फिर यहाँ की तरफ इसको भी मैंने ऐसे ऐसे कर देते हैं थोड़ा क्लिक क्लिक कर देते हैं हम
थोड़ा सा जूम, मैंने इधर क्लिक करा, इधर ऑल दबा के फिर इधर। अब हम क्या करना है आपको बताता हूँ। अब हम ले लेने से इरेजर टूल और फिर आप इधर जाने और फिर इधर से हमें इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा बस, फिर थोड़ा सा आँख की तरफ, बस थोड़ा सा आँख की तरफ, आँख की तरफ थोड़ा सा और इस तरफ थोड़ा सा बस थोड़ा सा इसको मैंने स्टॉप कर दिया, बस इतना मैंने कर दिया, बस थोड़ा सा जूम वी करा एंटर, बस अब ये देख अपने मैंने आपको बता दिया हाउ टू चेंज योर हेयर। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, पसंद आती वीडियो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक लिए मैं तब से आ चुको गुड बाय।